हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क होता है। शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही संभव होती। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मस्तिष्क की देखभाल स्वयं करें। तो ऐसे इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का फर्ज होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग से जुड़े कुछ रोचक तत्व हैं? तो आज हम आपको बताते हैं कि कुछ रोचक तत्व मस्तिष्क से जुड़े क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके मस्तिष्क में 5 से 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये डैमेज हो सकता है? क्या आपको मालूम है कि पूरे शरीर में दिमाग 2% का होता है, बल्कि हमारे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन वह अकेले इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग सिर्फ 40 साल तक ही बढ़ता है। हमारे दिमाग का 60% भाग चर्बी का होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा चर्बी वाला भाग माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में मस्तिष्क में स्फूर्ति के लिए निश्चित समय पर विश्राम मनोरंजन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती उम्र का दबाव हो या फिर किशोरावस्था का प्रतिबल, प्रत्येक प्रकार के चिंता रूपी नकारात्मक विचारों को परिवर्तित दिशा देने की ऊर्जा 7 सुरों के सरगम यानी कि तबला, हारमोनियम, सितार, वीणा, तानपुरा, अन्य विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय संगीत मस्तिष्क में कंपन कर शांति प्रदान करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सारे गामा पाधानीसा सरगम की ध्वनि तीनों सप्तक कोमल तीव्र स्वरों की तुलना आप झरने, पवन, कोयल, मोर, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के प्राकृतिक मधुर संगीत आदर के साथ कर सकते हैं। भारतीय संगीत गायन, वादन, नृत्य हो या फिर प्राकृतिक संगीत, सभी में 7 सुरों के समागम का समावेश होता है। राग चिकित्सा, नाद योग पुरातन समय से हमारे देश में आज भी प्रयोग की जाने वाली संगीत चिकित्सा है, जो आपके अंतर्मन को उच्च जीवनी शक्ति प्रदान कर समृद्ध कर कैंसर जैसी लाइलाज रोग को भी मात देने के लिए काफी हद तक सफल होता है। नाद रोग द्वारा लयबद्ध श्वसन लेने की एक निश्चित आवृत्ति वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसका निरंतर प्रयोग मानव शरीर के मेरुदंड में 7 चक्रों में प्रबंध कर पहुंचाता है। कुछ चुने गए रोगों के माध्यम से संगीत मनोचिकित्सकों द्वारा अवसाद, विषाद, दबाव, प्रतिबल आदि मानसिक प्रकृतियों के मनोभाव, आवेश, संवेग, चित्त, मोक्ष को भी करके व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। नई ऊर्जा का मस्तिष्क में संचार भी कर सकता है। इस हिसाब से संगीत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो हमें हमेशा ही अगर अपने मस्तिष्क का दिमाग का ख्याल रखना है तो फिर हमें उसके ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि हम हल्की ध्वनि में संगीत को सुने और अपने मन को और चिंतन को साथ ही साथ अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। क्यूरियन हेल्थ टेक्स की रिपोर्ट।